Hello everyone and welcome again to another Max Doc Talk. Today is World Hepatitis Day and joining us is Dr. Vikas Singla, Head and Director, Gastroenterology here at Max Super Speciality Hospital, Saket. Hello Doctor. Yeah, hi Orange. So Doctor, today is World Hepatitis Day and while the entire world is talking about still recovering from COVID, normal people are still out there and all the other diseases are still out there. So my first question is, what is hepatitis? So Orange, hepatitis means there is inflammation in the liver. Okay, we have a large organ which is called liver. It's on the right side of abdomen. So sometimes there can be inflammation and swelling in the liver. This condition is known as hepatitis. This can be either acute hepatitis or chronic hepatitis. In patient with acute hepatitis, there is sudden inflammation in the liver and patient will have fever, vomiting, decreased appetite and sometimes pain abdomen. And the most common cause of acute hepatitis are virus infections and alcohol intake. Hepatitis A, hepatitis E and hepatitis B. These are the common viruses which can lead to acute hepatitis. And sometimes if somebody is consuming alcohol more than 50 gram per day for a long duration, it can also lead to acute hepatitis. And now we are also seeing cases due to COVID also, and COVID virus can also lead to inflammation in the liver. So Doctor, ab hum baat karenge chronic hepatitis ki. Kya chronic hepatitis exactly hota kya aur ye normal hepatitis se kaise different hota hai? सो ऑरेंज, जैसे मैंने पहले बताया, हेपेटाइटिस दो तरह का है, एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस। यदि हेपेटाइटिस की ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा है, इस कंडीशन को हम क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग जब अपना लिवर टेस्ट करवाते हैं तो लिवर के एंजाइम्स SGOT एंड SGPT कंटिन्यूसली हाई रहते हैं, इनकी वैल्यू 40 से ज़्यादा होती है। और यदि ये ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा है, इस कंडीशन को हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस के मेन कारण है, अगेन वो है वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, दोनों ही क्रोनिक हेपेटाइटिस के मेन कारण हैं। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन से भी क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, और कुछ कंडीशन जैसे कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड विल्सन डिजीज, इन दो कंडीशंस में भी पेशेंट्स को क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। डॉक्टर, क्या हेपेटाइटिस फ्यूचर में कैंसर की तरफ जा सकता है? यदि हम क्रोनिक हेपेटाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं, कुछ लोगों में आगे जाकर लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस, दे आर डिफरेंट थिंग्स। हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में इन्फ्लेमेशन है, सिरोसिस का मतलब है लीवर हार्ड हो गया है, और इसके बाद कई बार सिरोसिस होने के बाद लीवर फेल भी हो सकता है। सिरोसिस के पेशेंट्स में डेफिनेटली लीवर कैंसर का रिस्क होता है, और हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में बिना सिरोसिस के भी लीवर कैंसर हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, यदि क्रोनिक हेपेटाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं, ये आगे जाकर सिरोसिस और कैंसर दोनों ही कर सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस से रिलेटेड की एक ऐसी कंसर्न जो बहुत लोगों में है, वो है ट्रांसफर होने की, कंटेजियसली। तो yes. क्या हेपेटाइटिस एक STD माना जा सकता है? हेपेटाइटिस के कई से कारण होते हैं, इनमें से कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस है। यदि हेपेटाइटिस बी वायरस है तो उससे ये स्पाउस में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि स्पाउस को वैक्सीन लगवा देना। इसमें हेपेटाइटिस बी की 3 वैक्सीन लगाते हैं और उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो हेपेटाइटिस बी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। So doctor, what are the symptoms of concern? When should one get themselves tested for hepatitis? तो हेपेटाइटिस दो तरह का है, एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस मोस्टली साइलेंट होता है, फिर भी कुछ लोगों को थकान की फीलिंग हो सकती है या पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऐसे लोगों को हम हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और साथ में पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। दूसरी तरफ एक्यूट हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को बुखार आता है, भूख लगना बंद हो जाती है, उल्टियाँ लग जाती हैं और साथ में जॉन्डिस भी हो सकता है। ऐसे मरीजों में हम एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर, आपने पहले बोला कि स्पाउस को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, इट्स अ प्रिवेंटेबल। सो
वैक्सीन्स क्या हर किसी के लिए मैंडेटरी होती है एंड कोई और हाउ आर दे हाउ कैन वन प्रिवेंट हेपेटाइटिस? तो अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो हेपेटाइटिस बी के लिए अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमारी कंट्री में हम सभी को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं। जन्म के बाद हम इसकी पहली डोज लगाते हैं और अगले 6 महीने में 3 डोज लगाई जाती हैं। इसके अलावा यदि किसी की फैमिली में हेपेटाइटिस बी है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं, और हाई रिस्क ग्रुप्स जिनको कि हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर है जैसे कि हेल्थ केयर पर्सनल, इन सबको भी हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हैं। डॉक्टर, क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए किनको स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर पेशेंट्स को सिम्टम्स हैं या फिर रिस्क फैक्टर है तो ऐसे मरीजों में हम हेपेटाइटिस बी की टेस्टिंग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शराब कंज्यूम करता है ऐसे लोगों का हम लीवर टेस्ट करवाते हैं, या फिर अगर किसी को थकान है, पेट में हल्का दर्द है तो ऐसे मरीजों के भी हम क्रोनिक हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करते हैं। डॉक्टर, आपने बोला जैसे कि कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है उनकी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग होती है या वो हेपेटाइटिस के लिए उनको हेपेटाइटिस हो सकता है, तो अगर आपको हेपेटाइटिस है क्या आप फिर भी अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं या आपको अल्कोहल से अब दूरी रहना है? तो अगर किसी को अल्कोहल से हेपेटाइटिस हुआ है ऐसे मरीजों को बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल की मात्रा 0 होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें सिरोसिस हो सकता है। दूसरी तरफ अगर किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है या सी है, इनको हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं, हम सलाह देते हैं कि ऐसे मरीजों को अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। फिर भी अगर मरीज का लाइफस्टाइल उसको अलाउ नहीं करता है तो हम इनको बिल्कुल कम मात्रा में अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं, इनको हम बिल्कुल कम मात्रा में अल्कोहल अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि हम महीने में 1 या 2 बार अल्कोहल अलाउ कर सकते हैं, परंतु ये बिल्कुल डॉक्टर से बात करके ही हम इसको अलाउ करते हैं। तो फिर जैसे अभी आपने बोला हेपेटाइटिस बी या सी में दवाइयाँ देते हैं, क्या और ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी? तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट उसकी कारण पर डिपेंड करता है। यदि ये हेपेटाइटिस बी या सी से हुआ है इनको हम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं, यदि ये अल्कोहल से हुआ है तो ऐसे मरीजों को अल्कोहल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ विटामिन सप्लीमेंट और प्रोटीन सप्लीमेंट पेशेंट्स को देते हैं, और यदि मरीज को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से हेपेटाइटिस हुआ है तो ऐसे मरीजों को हम स्टेरॉयड से ट्रीट करते हैं। कुछ लोगों को विल्सन डिजीज होती है जिसमें लीवर के अंदर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, तो ऐसे मरीजों में हम कॉपर चिलेशन का ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, कुछ लोगों को मोटापे के कारण लीवर में फैट आ जाता है और उससे लीवर में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इस कंडीशन को हम नैश बोलते हैं। नैश के ट्रीटमेंट के लिए मरीज को लाइफस्टाइल फॉलो करना होता है, मरीज को अपना वेट कम करना है, एक्सरसाइज करना है, और यदि ब्लड में शुगर या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो उनको हम दवाई से ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, अभी जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल चेंजेस करना होता है, वेट में चेंज करना होता है, तो क्या डाइटरी एडवाइस आप देंगे हेपेटाइटिस पेशेंट्स को? यदि क्रोनिक हेपेटाइटिस का पेशेंट ओबीस है और उनको नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस है, इन पेशेंट्स को कैलोरी इंटेक कम करना है। यूजली हम 1500 किलो कैलोरी डाइट एडवाइस करते हैं। इस डाइट से मरीज का वजन कम हो सकता है, शुगर कंट्रोल हो सकती है और लिपिड कंट्रोल हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर बाकी कंडीशन जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी सी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हैं, इन मरीजों को हम हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन की इन मरीजों को हम हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, जाने से पहले अगर आप हमारे ऑडियंस को कोई और फाइनल एडवाइस देना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा लीवर एक बहुत ही प्रेशियस ऑर्गन है, और यदि हम ध्यान रखें तो लीवर की बीमारियों को हम रोक सकते हैं। हमें शराब से दूर रहना चाहिए या फिर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के अंदर शराब कंज्यूम करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ओवरवेट को अवॉइड करना चाहिए, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी के रिस्क फैक्टर से हमें दूर रहना चाहिए, और यदि हमें सिम्टम है तो तुरंत हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और इस कंडीशन को डायग्नोज करवाना चाहिए ताकि हम क्रोनिक हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन को रोक सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल। एंड जाने से पहले मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई भी और सवाल है हमारे डॉक्टर के लिए यहाँ, तो आप बेशक उन्हें कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू
in case you want to have an appointment with the doctor, you can connect with him using the phone number that is on your screen or the bit.ly link that is in the description box. This World Hepatitis Day, stay home, stay safe, and we'll see you in the next one. Thank you, doctor. Thank you. Take care.